बाबू रेगुलेशन 97 रोडवे कन्वेयर, रोडवे कन्वेयर बोलिए, बेल्ट कन्वेयर बोली, सिंपली कन्वेयर बोली, एक ही बात है। अरे रोड में लगता है इसलिए रोडवे कन्वेयर बोल दिया, बाकी और क्या, बेल्ट कन्वेयर है, ठीक है। तो आपको हमने इंचार्ज बांध दिया है, जाइए बेटा कन्वेयर लगाइए। तो आप अपने से बहुत सारा चीज डिसाइड कर लीजिएगा, वही ना यहां लिखा है रेगुलेशन 97 में, आपसे तय थोड़ी है जिसने लिखा है रेगुलेशन, समझ रहे बात को, क्या बोलिएगा आप। ये रोड था, मान लो इतना चौड़ा रोड है, 4 मीटर चौड़ा मेरा ये दोनों हाथ के बीच का डिस्टेंस समझिए 4 मीटर है, तो अब बीच में लगाएंगे, रास्ता में ना लगाएंगे, तो बोलेंगे कि सर इंस्पेक्शन करना होगा, एग्जामिनेशन करना होगा, रिपेयर करना होगा, तो क्या करना होगा, हमको ऐसा कन्वेयर बैठाना होगा सर कि जो साइड है ये साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, इन दोनों के बीच में बैठा, लेकिन रोड के दोनों तरफ तो साइड रहता, पिलर साइड रहता, तो बोलेंगे सर पिलर साइड और कन्वेयर के बीच एक मिनिमम गैप चाहिए ताकि आदमी उसमें ट्रेवल कर सके आराम से, रिपेयरिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। ये बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, बताइए आप ही, यदि आपको लगा दे काम में लगा दे, जाओ बेटा लगाओ जी वहां कन्वेयर जाकर, अभी नौकरी मिल जाएगा आपका, मानिक सर या मोरमैन बोले जाओ लगाओ, आप बोलेगा नहीं नहीं ये रखना होगा मिनिमम स्पेस। तो पहला बात आप क्या बोले, हमको क्या बोलेंगे कि सर ये कन्वेयर लगाया और ये साइड है मेरा हाथ, इन दोनों के बीच में एक मिनिमम गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, ट्रेवलिंग स्पेस चाहिए। अब वो ट्रेवलिंग स्पेस आपका रेगुलेशन स्पेसिफाई कर दिया है कि नॉट लेस देन 1 मीटर, ठीक है, क्या बोलता है आपको, ये जो 5 पॉइंट है सब रेगुलेशन 1 में, ये इंस्टॉलेशन के लिए है। देखिए क्या लिखा है, एवरी कन्वेयर शैल बी सो इंस्टॉल्ड दैट, प्रत्येक कन्वेयर को ऐसा बैठाना है, कैसे बैठा, नंबर 1 स्पेस बिटवीन रोडवे वन साइड ऑफ रोड एंड कन्वेयर शैल नॉट फॉर ट्रेवलिंग पर्पजेस नॉट लेस देन 1 मीटर, मतलब ट्रेवलिंग स्पेस रोडवे कन्वेयर, रोडवे कन्वेयर और आपका वन साइड ऑफ रोड के बीच का स्पेस जो क्लियर स्पेस चाहिए कम से कम नॉट लेस देन 1 मीटर, ये बोला। दूसरी बात आप बोलिएगा कि सर बहुत स्टिप हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, स्टिप हो जा रहा है आपका कन्वेयर, तो स्टिप हो जा रहा तो उससे क्या होगा, माल स्लाइड करने का डर रहेगा, तो बोलेंगे सर ये माल जो स्लाइड होगा इसके लिए तो कोई सुटेबल प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना ना होगा, तो देखे होंगे कन्वेयर ऐसा है, कन्वेयर तो टफ रहता है, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा रहता है, रहता है दोनों साइड से ऐसा उठा हुआ रहता है, उसके बगल में देखेगा लोहे की पट्टी लगी रहती है, कन्वेयर के बगल में भी लोहे की पट्टी लगी रहती, काहे लगी रहती है, वो यही बात है, क्या बोलता कि जो आपका वेन कन्वेयर इज सो स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीप है कन्वेयर, क्या है बहुत ज्यादा स्टीप, सो दैट मटेरियल में स्लाइड सुटेबल प्रोटेक्शन सेल बी प्रोवाइडेड, वही वाला बात बोलता। फिर हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं बेल्ट कन्वेयर में या उसके अगल बगल में जा रहे हैं, कोई ऐसा अनवांटेड सिचुएशन पैदा हो गया कि हमको बेल्ट को रोकना है कहीं से भी किसी भी जगह से, तो उसमें हमको कोई ना कोई ऐसा संसाधन देना होगा जिससे कि हम रोक सके, जैसे ट्रेन में क्या होता है चेन लगा रहता है कि जब आपको ट्रेन को रोकना है तो चेन को पुल कर दीजिए तो ट्रेन खड़ा हो जाएगा, उसका वैक्यूम लग जाता है, वैक्यूम को खोल देता है, एक प्रकार से खींचने से क्या होता है वैक्यूम खुल जाता है, वैक्यूम खुल गया प्रेशर नहीं रहेगा, एयर प्रेशर रहेगा तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगा। सेम सिस्टम, मतलब वही वाला सिस्टम नहीं है, मतलब वैसा ही सिस्टम आपके कन्वेयर के साथ एक तार रहता है, कुछ रहता है, क्या रहता है, तार रहता है जिसको पुल कार्ट बोलते हैं या पुल कार्ट स्विच बोलते हैं, या पुल कार्ट स्विच नहीं लगा आपको दूसरा साधन लगाइए बोलता है रेगुलेशन, लेकिन ऐसा लगाइए कि किसी भी जगह से बेल्ट को रोका जा सके। देखिए आपको एक लिखा होगा पुल कार्ट स्विच और अदर सुटेबल सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड सो दैट कन्वेयर कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एनी प्लेस एंटायर इट्स लेंथ, उसके पूरी लंबाई में कहीं पर भी आप है और वहां से आपको रोकना है, किसी भी जगह से रोकना है तो पुल कार्ट स्विच आपको लगाना होगा या
इसी तरीके का कोई दूसरा संसाधन लगाना होगा जो कि बेल्ट को रोकने के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा कन्वेयर या उसका कोई भाग सपोर्ट से रगड़ाना नहीं चाहिए। रगड़ाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, आग लग जाएगा। ऐसे ही ना आदि मानव ने आग का आविष्कार किया था, वो दो चीज को रगड़ा, पत्थर को, चिंगारी निकला तो बोला कि आग जल जाएगा, तब वो आग जलाना सीख गया, फिर खाना पकाने लगा। वही सेम बात यहां पर है। क्या बोलता है, कन्वेयर आर इट्स पार्ट शैल नॉट स्क्रैप अगेंस्ट सपोर्ट। सिंपल सा भाषा में लिखा है, कन्वेयर आर इट्स पार्ट शैल नॉट स्क्रैप अगेंस्ट सपोर्ट। कन्वेयर या उसका कोई भाग किसी सपोर्ट से रगड़ाना नहीं चाहिए, उसके दो घाटा हो जाएंगे यदि रगड़ाएगा तो ऐसा आप इंस्टॉलेशन कीजिएगा, चाहे कि रगड़ हो सपोर्ट से कन्वेयर का या उसके किसी भाग का, एक तो चिंगारी पैदा होगा तो आग लगने का खतरा रहेगा, और बेल्ट में आग लगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दूसरा बात, वो जो आग ना भी लगे तो वो जो पार्ट या कन्वेयर बार बार रगड़ा रहा है उससे क्या होगा, वो टूट फूट जाएगा, वर्न आउट हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या बोलता है, कन्वेयर और इट्स पार्ट्स शैल नॉट स्क्रैप अगेंस्ट सपोर्ट। एंकरिंग के बारे में आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे एनलेस एलेज वाला, उसमें दो ड्रम रहता है, एक रहता है ड्राइविंग एंड रहता है और एक जो रहता है टेल एंड रहता है। टेल एंड को क्या करते हैं, हम खींच के रखते हैं, ठीक है, और इधर जो ड्राइविंग एंड रहता है वहां पे चीजवेट से भी लटका के इसको भी रखते हैं, चीजवेट लटका देते हैं ताकि सिस्टम खींचा ना जाए। वैसा ही इसका जो एंकरिंग करना, एंकरिंग मतलब धर के रखना, बांध के रखना, पकड़ के रखना, ये एंकरिंग का ही वर्ड लिखा हुआ। देखिए ये वर्ड एंकरिंग, एंकरिंग मतलब क्या होता है, धर के रखना, पकड़ के रखना, बांध के रखना, ये एंकरिंग। द एंकरिंग ऑफ द रिटर्न स्टेशन, रिटर्न स्टेशन को टेल एंड भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज जाइएगा मत, कहीं टेल एंड आ गया समझ आ रहा, रिटर्न स्टेशन या टेल एंड जो ड्राइविंग एंड है उसके अपोजिट वाला, उसको जो है एंकरिंग जो करना है किसका, रिटर्न स्टेशन का या टेल एंड का, उसको फेस सपोर्ट या रोडवे सपोर्ट से कभी भी नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, इसके लिए हमको अलग से व्यवस्था करना है। रोडवे कन्वेयर के टेल एंड या जिसको रिटर्न स्टेशन बोलते हैं उसको बांध के रखने का या पकड़ के रखने के लिए हमको अलग से व्यवस्था करना है, ना कि हम रोडवे सपोर्ट या फेस सपोर्ट से ही उसको बांध दे, ये बोल रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, द एंकरिंग ऑफ द रिटर्न स्टेशन एट टेल एंड ऑफ द कन्वेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फेस और रोडवे सपोर्ट। समझ आई तीन बात, फेस या रोडवे सपोर्ट से कन्वेयर के टेल एंड को बांध के नहीं रखना, इसके आपको अलग से व्यवस्था करना, ये बोल रहा हूं। ठीक है, और नंबर ऑफ, बहुत लंबाई में हमको बेच के जाना, तो क्या करते हैं, हम सीरीज में जोड़ते, एक के बाद एक के बाद सीरीज, मतलब एक के बाद एक के बाद उसको सीरीज बोलते हैं, अगल बगल में रहे तो उसको पैरेलल बोलते हैं। इतना तो आप ही लोग ने बताया था हमको एक दिन, एक के बाद एक जोड़ते उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अंडरग्राउंड में हम कनेक्शन करते हैं, कैसन करते हैं, प्लास्टिक के लिए सीरीज में करते हैं ना, ओपन कास्ट में सीरीज हो चलेगा, पैरेलल हो चलेगा, कोई हो चलेगा, ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ सीरीज करते हैं, पता है ना, ताकि ब्लास्ट होगा तो सब होल होगा और मिसफायर होगा तो सब होल होगा, ये पर्पज है उसका सीरीज में करने का। वैसे यदि आप नंबर ऑफ बेल्ट है तो उनको सीरीज में हम जोड़ते हैं, तो जब उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या करना होगा, आपको सीक्वेंस कंट्रोल करना होगा। क्या करना होगा, सीक्वेंस कंट्रोल और सीक्वेंस इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाना होगा, और कुछ नहीं, मतलब एक बंद होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बंद होगा, यानी कि ऑल ऑफ सडन पूरा बेल्ट बंद हो जाएगा, उसका नंबरिंग रहेगा, एक नंबर बंद होगा, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, फिर चार नंबर, तो इसका सीक्वेंस कंट्रोल और सीक्वेंस इंटरलॉकिंग सिस्टम। जब सीक्वेंस इंटरलॉकिंग सिस्टम आप लगाइएगा तभी आप सीक्वेंस कंट्रोल कर पाइएगा। यही बोलता है, देखिए, इफ नंबर ऑफ बेल्ट कन्वेयर्स आर यूज्ड इन सीरीज, सीक्वेंस कंट्रोल एंड सीक्वेंस इंटरलॉकिंग शैल बी प्रोवाइडेड। पुल कार्ड वाला बता दिया, ये दो नंबर को बता दिया कि स्टीप है, सब रिलेशन दो कि बहुत ज्यादा स्टीप है तो माल स्लाइड होगा, और माल स्लाइड होगा तो बेकार चीज है, उससे फिर बेल्ट जाम हो जाएगा आपका, तो
उससे बचने के लिए आपको सुटेबल प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना है। वो क्या होता बोला, अरे कुछ नहीं, बेल्ट कन्वेयर के बगल में देखिएगा लोहे का पट्टी लगाते थे दोनों तरफ में, वही चीज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा, व्हेन कन्वेयर इज सो स्टीप, देखिए वर्ड कैसा बोलता, बड़ा प्यार से लिखा हूं मैं यहाँ पे, व्हेन कन्वेयर इज सो स्टीप मतलब कन्वेयर इतना ज्यादा ढालू है दैट स्लाइडिंग ऑफ मटेरियल मे बी हैपन, यदि स्लाइडिंग ऑफ मटेरियल होने का चांसेस है, देयर शैल बी प्रोवाइडेड सुटेबल अरेंजमेंट और सुटेबल प्रोटेक्शन सिस्टम। इतना ही सिग्नलिंग के बारे में बोलता, क्या बोलता है सिग्नलिंग के बारे में बोलता। सिग्नलिंग में क्या है, यदि कन्वेयर का लेंथ जो है बेल्ट कन्वेयर, कन्वेयर मतलब बेल्ट कन्वेयर का लेंथ 30 मीटर से अधिक हो जाए तो आपको सिग्नलिंग प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद अब और पूछेगा, हम आगे बताएंगे, इसको मिटा के दो दो लाइन लिख देता कि आप लोग को थोड़ा सा सुविधा हो जाए कि सर वो बेल्ट चालू होने के पहले भी कुछ सावधानी होना चाहिए ताकि आदमी वहां कोई काम कर रहा हो तो हट जाए बेल्ट से, तो उसके प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म सिस्टम होता है उसमें क्या बोलता है, हटो हटो बेल्ट चालू हो रहा है बेल्ट चालू, यही वाला है ठीक है। फिर आप बोलिएगा सर ऑपरेटर भी तो, जो बेल्ट को चलाता है ऑपरेटर, वो केबिन में बैठे बैठे सभी जगह बात कर सके, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, यही ना सब बोलिएगा आप। आपको हमने बता दिया कि जाओ बाबू बनाओ, जाओ इंस्टॉल करो, तो अब यही सब चीज हमको बोलेंगे कि ये चीज चाहिए सर, वही ना रेगुलेशन में लिखा। तो आगे देखते हैं, बाबू ये पॉइंट सब रेगुलेशन 6 और सब रेगुलेशन 7 आपको कंफ्यूज कर देगा, हम बताएंगे। सबसे पहले इसका हम चर्चा कर चुके थे, क्या बोले थे, इन केबिन ऑफ ऑपरेटर, इन केबिन ऑफ ऑपरेटर इफेक्टिव मींस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अलोंग विद ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड सो दैट ऑपरेटर कैन वार्न एनी पर्सन इन द विसिनिटी ऑफ द रोडवे कन्वेयर। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। पहली बात तो आपको इधर उधर खबर करना है ऑपरेटर को, या तो आपको ऑपरेटर खबर करना है, या ऑपरेटर आपको खबर करना चाहता है किसी भी लोकेशन पर, तो उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, टेलीफोन वाला सुविधा चाहिए, साथ में ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटी चाहिए बोलता, अलॉन्ग विथ ब्रॉडकास्टिंग मतलब मुंह से बोलेगा वो, ताकि आपका जो रोडवे कन्वेयर में बेल्ट कन्वेयर में जो कोई आदमी क्लीनिंग का काम कर रहा है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है, या कोई दूसरे तरीके का काम कर रहा है, उसको वार्निंग हो जाए, बोलेगा कि बेल्ट चालू होने वाला है, आप रोड बेल्ट कन्वेयर से दूर हट जाइए, इस टाइप का फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इसके अलावा भी एक और सिस्टम दिया हुआ है, तो एक सिस्टम से काम नहीं चलता है, कई सिस्टम लगाना होता है, जैसे हमने ओवर वाइंडिंग के लिए बताए थे, वो आपका डिटेचिंग सेफ्टी हुक तो तब काम करता है जब क्या हो जाएगा, ओवर वाइंडिंग हो जाएगा, लेकिन ओवर वाइंडिंग ना हो इसके लिए आपको ऑटोमेटिक कंट्रावेंस लगाना है, ब्रेक रखना है, डेप्थ इंडिकेटर लगाना है, ठीक है बता दी कि नहीं, ये ओवर वाइंडिंग ना हो उसके लिए, और ओवर वाइंडिंग हो जाए तब डॉक्स और आपका डिटेचिंग सेफ्टी हुक काम आता है। तो एक ही सिस्टम आप रखने से काम नहीं चलेगा। यहां तो आपने ऑपरेटर केबिन में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दे दिया, अलॉन्ग विथ ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटी भी दे दिया, उसके अलावा आपको एक और क्या रखना है, ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म, जैसे अपने डंपर में या बाकी मशीन में एवीए होता है, ये भी क्या है, ये देखिए ए वी और इधर ये है कि अलार्म, एवीए है ये भी, ऑडियो विजुअल अलार्म, लेकिन ये कैसा ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म है, यदि जब बेल्ट स्टार्ट होगा तब आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, और चुई 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 कुछ कुछ जगह में ऑडियो के साथ विजुअलाइजेशन के लिए देखने के लिए भी बत्ती लगा होगा, और बोलेगा बेल्ट स्टार्ट हो रहा है, बेल्ट स्टार्ट हो रहा है, बेल्ट से दूर हट जाइए, बेल्ट से दूर हट जाइए, बेल्ट स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते ऑडियो ऑडियो वीडियो प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड विद बेल्ट कन्वेयर सिस्टम। ये हो गया। अब ये 6 और 7 ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोलता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना,
एसओपी या कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाता, मैनेजर बनाता, कभी क्या रखेगा, कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए आग बंद करके लिखना, कोड ऑफ प्रैक्टिस ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मैनेजर आप ऐसे ही अंडरग्राउंड में बेड कन्वेयर यूज कर लीजिएगा क्या, नहीं, उसके लिए आपको परमिशन लेना होता है, उसके लिए आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस बना के सबमिट करना होता है। ठीक है, उसी के बारे में सब रिजन छह है, क्या बोलता है, द मैनेजर सेल फार्मूलेट ए कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर, दो बात, एक काहे के लिए, फॉर सेफ इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर देखिए नंबर वन लिखा हुआ, आईओएम लिखा, आईओएम मतलब इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बेल्ट कन्वेयर के इंस्टॉल सेफ इंस्टॉलेशन ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे मैनेजर साहब। दूसरा और एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे फॉर यूज और शिफ्टिंग ऑफ कन्वेयर बिलो ग्राउंड। हाँ, क्या बोल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। सेकंड क्या, फॉर यूज और शिफ्टिंग ऑफ कन्वेयर बिलो ग्राउंड, दो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे मैनेजर साहब। एक काहे के लिए बनाएंगे, फॉर सेफ इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट के लिए बनाएंगे। दूसरा कोड ऑफ प्रैक्टिस काहे के लिए बनाएंगे, फॉर यूज और शिफ्टिंग ऑफ कन्वेयर बिलो ग्राउंड। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके कन्वेयर को हम बैठाते हैं, वो भी क्या कहलाता है, शिफ्टिंग कहलाता है। तो उसके लिए भी क्या यूज करना है, एक जगह दूसरे जगह ले जाना तो भी हमको परमिशन लेना होगा, यूज करना है उसके लिए भी परमिशन लेना होगा। किस, उसके लिए वो क्या बनाना होगा, मैनेजर को क्या बनाना होगा, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, और वो कोड ऑफ प्रैक्टिस को वो 30 दिन, कम से कम 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को सबमिट करेंगे। यही लिखा हुआ देखो, फॉर यूज आर शिफ्टिंग ऑफ कन्वेयर बिलो ग्राउंड सेंड द कॉपी टू आर आई एम एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द यूज आर शिफ्टिंग। आप रेगुलेशन के बुक में यहां ऐसा वर्ड नहीं पड़ेगा, यहां लिखा हुआ कमेंसमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो बोलेंगे सर आप तो यूज आर शिफ्टिंग है, अरे बेटा वो वही वाला बात है, कमेंसमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब आपको बेल्ट लगाना है, चाहे यूज करने के लिए लगाना है, चाहे शिफ्टिंग करने के लिए लगाना है। तो आपको चीजें समझे कि यूज भी करने के लिए है, चाहे यूज करना चालू करना है या शिफ्टिंग करना, उसके 30 दिन पहले आपको मैनेजर को एक कोड ऑफ प्रैक्टिस बना के किसको देना है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। यदि कहीं आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए, आप गड़बड़ाएंगे क्या, क्योंकि नेक्स्ट में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है, तो गड़बड़ आ जाएगा। बेल्ट कन्वेयर का सीधा भाषा में समझो, सी बेल्ट कन्वेयर का यूज करना है, किससे परमिशन लेना होगा, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से, बेल्ट कन्वेयर का यूज के लिए। लेकिन मेन राइटिंग के लिए इस्तेमाल करना है बेल्ट कन्वेयर का, तो आपको परमिशन लेना होगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस से। दो बार बोल दे रहा हूं, मेन राइटिंग के लिए आपको बेल्ट कन्वेयर इस्तेमाल करना है तो चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना है। इन जनरल हमको कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको बेल्ट कन्वेयर यूज करना है तो आपको परमिशन, बेल्ट कन्वेयर को चाहे यूज करना है चाहे शिफ्टिंग करना, वो एक के बाद में आ जाता है, तो आपको परमिशन किससे लेना होगा, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से। कितने दिन पहले उसको कोड ऑफ प्रैक्टिस भेजेंगे रीजनल इंस्पेक्टर माइंस साहब को, 30 दिन पहले, यूज या शिफ्टिंग के 30 दिन पहले अंडरग्राउंड में यदि आपको बेल्ट कन्वेयर इस्तेमाल करना है तो उस शिफ्टिंग या यूज के 30 दिन पहले आप एक मैनेजर जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाकर रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेन राइडिंग वाला। मेन राइडिंग के कई तरीके होते हैं, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू होता है, हॉलेज के थ्रू होता है, हॉलेज में भी एक है बोगी वाला सिस्टम होता है, जैसे ट्रेन के डिब्बे रहता है वैसा रहता है, एक चेयर लिफ्ट होता है, ठीक है, एक कन्वेयर वाला भी रहता है, ठीक है। तो बेल्ट कन्वेयर को यदि आप क्या करना चाह रहे हैं, एज ए मेन राइडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा रिस्की है, क्योंकि आदमी को ढो रहे हैं आप, कोयला नहीं ढो रहे हैं, क्या ढो रहे हैं आप, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मेन का। तो मेन राइडिंग के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तब भी मैनेजर को कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाना होगा फॉर सेफ इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर फॉर द पर्पज ऑफ मेन राइडिंग सिस्टम एंड फ्रेम ए कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर The use of belt conveyor for main riding and submit it to the chief inspector of mines. किसको, main riding के लिए chief inspector of mines को, कितने दिन पहले देंगे, before 90 days of commencement of
इंस्टॉलेशन, आपको इंस्टॉलेशन के 90 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर माइंस को कहते देना होगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस बना के देना होगा कि ये मेरा इंस्टॉलेशन का ये तरीका रहेगा, ऑपरेशन का रहेगा, मेंटेनेंस का ये रहेगा, यूज का ये तरीका रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आइएगा मत, इन जनरल हमको कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंडरग्राउंड में बेल्ट कन्वेयर लगाना है तो रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेंगे, 30 दिन पहले मैनेजर जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस बना के उनको दे देंगे पार्सल इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मेन राइडिंग के लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना और उसके लिए 90 दिन पहले कोड ऑफ प्रैक्टिस भेज देना है चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास। एक पॉइंट नंबर 8 जो है उसमें कुछ नहीं है, चीफ इंस्पेक्टर माइंस जो है मेन राइडिंग वाला जो परमिशन दिया उसको किसी टाइम हटा सकते बोले, ठीक है। यदि उनको लगा कि ये सावधानी इन्हें नहीं बरती तो हटा सकते परमिशन, परमिशन हटा दिया मतलब आपका मेन राइडिंग सिस्टम कन्वर्स बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 बोलता है, पॉइंट नंबर मतलब सर्वदर्शन 9 क्या बोलता है कि ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाए थे आपने, वो कोड ऑफ प्रैक्टिस के लिए मैनेजर और इंजीनियर बोथ शैल बी रिस्पॉन्सिबल, इतने लिखा है देखिए, द मैनेजर एंड इंजीनियर बोथ शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस। उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी किसकी होगी, मैनेजर की और इंजीनियर दोनों की होगी। और इसके अलावा है कि बेल्ट कन्वेयर को ऑटोमेटिकली रोकने के लिए क्या उपाय है, वो लास्ट सबलेशन 10 देखते बाबू। AFDSS का नाम सुना है, जो डंपरों में लगाया जाता है, एक्सकवेटर्स में लगाया जाता है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम AFDSS, वो करता क्या, कुछ नहीं जी। जो मेरा सेफ्टी फीचर्स इन डंपर वाला बता रहे थे, हम छू के बता रहे थे, देखो इसको AFDSS बोलते हैं। यदि कोई पार्ट जो है गर्म हो गया, हीट हो गया या फायर लगने वाला है तो क्या करेगा, वो वहां सेंसर लगे डिफरेंट प्लेसेस में, वो उसको सेंस कर लेगा, वो सेंसर जो सिग्नल भेजेगा किसको, जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसको भेजेगा, वो ऑपरेट हो जाएगा उसको बुझा देगा। बस उसी टाइप का सिस्टम हमको बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में भी लगाना है कि यदि कहीं फायर हो जाए, हीटिंग हो जाए बेल्ट कन्वेयर में या उसके अगल बगल में, तो वो क्या करे, बेल्ट कन्वेयर अपने आप जो है रोक सके बेल्ट कन्वेयर को, ठीक है, नहीं तो जल्दी वो भी चारों तरफ जाएगा। क्या बोलता है, एडिक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड टू स्टॉप द कन्वेयर ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शन ऑफ बेल्ट। बेल्ट कैसे खूब रगड़ा रहा, हम स्टार्टिंग बताए थे पहला सर्वेशन बताए थे, एक बताए थे एक ट्रेवलिंग स्पेस एक मीटर से कम नहीं ऊंची, दूसरा बताए थे कि बेल्ट कन्वेयर शैल नॉट स्क्रैप अगेंस्ट सपोर्ट, ऐसा बता दीजिए कि बेल्ट कन्वेयर या उसका कोई भाग जो है किसी भी चीज से सपोर्ट से या किसी भी चीज से रगड़ नहीं होनी चाहिए। यदि रगड़ होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो एक्सेसिव फ्रिक्शन आप यदि बेल्ट हो रहा है तो भी बेल्ट क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम लगा देना, सेंसरिंग कर देना आपको। दूसरा बेल्ट स्नैपिंग, ये कई हिंदी भाषी बच्चे नहीं समझेंगे इसे लिख दिया, बेल्ट टूटने पर बेल्ट कहीं से टूट गया तो सेंस हो जाना चाहिए और बेल्ट को बंद कर दे, ये सिस्टम होती है। फायर और हीटिंग इन द बेल्ट कन्वेयर बीसी मतलब बेल्ट कन्वेयर और इन इट्स विसिनिटी पास, बेल्ट कन्वेयर के आसपास में या बेल्ट कन्वेयर में आग लग गया है या बेल्ट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो सेंसर उसको सेंस करे और बेल्ट कन्वेयर को बंद कर दे। इन केसेस में बेल्ट ऑटोमेटिकली बंद हो इसका आपको डिवाइसेस लगा के रखना होगा, तो डिवाइसेस अपने आप नहीं लगेगा, उसके लिए सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल करना है। हम कभी बताएंगे, लुम्बिनी पार्क है हैदराबाद में, वहां पर हम गए थे तो वहां पर हमने सेंसर का बहुत बढ़िया सीधा यूज देखा था, कभी चर्चा करेंगे उसकी।